हिमाचल पथ परिवहन निगम कार्यशाला एवं कार्यालय जसोल में काफी दिनों से नीली बसें खड़ी पड़ी हैं। यहां तक कि खड़ी बसों को जंग लगना भी शुरू हो गया है। जसोल में काफी तादाद में बसें खड़ी हैं, रोज कोई न कोई दुर्घटना घट रही है और सरकार और प्रशासन द्वारा लीपापोती के अलावा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। हिमाचल पथ परिवहन निगम कर्मशाला एवं कार्यालय जसूर में काफी दिनों से नीली बसें खड़ी हुई हैं। यहां तक कि खड़ी बसों में अब जंग लगना भी शुरू हो गया है। जसूर में काफी तादाद में बसें खड़ी हैं और अंदर से इन्हें जंग भी लग गया है। सरकार पता नहीं इस बारे में कब जागेगी। रोज कोई ना कोई दुर्घटना हो रही है और सरकार और प्रशासन केवल लीपापोती करते नजर आ रहे हैं। जब भी देखो ओवरलोडिंग का रोना रोया जा रहा है। अगर ओवरलोडिंग है तो सरकार को अतिरिक्त बसें चलानी चाहिए जिससे लोगों को सुविधा मिले, मगर देखा जाए तो प्रदेश के कई स्थानों पर नीली बसें काफी तादाद में खड़ी हैं। सरकार क्यों इन बसों का उपयोग नहीं कर रही है जिससे कि ओवरलोडिंग की समस्या से निजात दिलवाई जा सके। इस मुद्दे पर गांववासी अभिनव सूद ने कहा कि बसों का हाल बुरा है, प्राइवेट बस वाले लोगों को तंग कर रहे हैं कि ओवरलोडिंग नहीं करेंगे। अगर ओवरलोडिंग से बचना है तो नीली बसों को चलाना होगा। खड़ी बसों की हालत को देखकर हर किसी को रोना आ रहा है। उन्होंने कहा कि खड़ी बसों को जंग लगना शुरू हो चुका है और परिवहन मंत्री बोल रहे हैं कि 200 नई बसें मंगवाई जाएंगी। पहले पुरानी बसों को तो चलवा लो। उन्होंने कहा कि पहले पुरानी नीली बसों को तो सरकार को चलाना चाहिए। सरकार द्वारा क्यों इतना पैसा बर्बाद किया जा रहा है। इन बसों को गांव-गांव में लगाना चाहिए ताकि जनता को सुविधा मिल सके। ये देखिए एचआरटीसी का क्या हाल है इन बसों का। इतनी ज्यादा जसूर में ये बसेस पड़ी हैं, प्राइवेट ऑपरेटर्स को ये तंग कर रहे हैं कि ओवरलोडिंग मत करो, तो इन्हें लगाओ ना बसेस को। ये सारी देखिए आप हालात इन बसेस के, क्या हालात किए हुए हैं इन्होंने सरकार ने। गोविंद ठाकुर जी बोल रहे हैं 200 कुछ बसेस नहीं लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। जनाब इनको तो चला लो पहले, ये जंग लगाने के लिए सरकार ने हमारा पैसे का मजाक बनाया हुआ है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, सरकार जो सोई हुई है भाजपा की और गोविंद ठाकुर जी, ये बसेस आके पहले इनके हालात देखो। यहाँ इतनी बसेस है, नगरोटा बगवा में इतनी बसेस पड़ी हैं, धर्मशाला में इतनी बसेस पड़ी हैं, गाँव में अपना बरंडा पंचायत में, ग्योरा पंचायत में, चुरूड़ी सुखार बासा में हार्डली प्राइवेट ऑपरेटर्स की एक दो बसेस जाती हैं। वहां इन बसेस का इस्तेमाल करो। अगर ये लॉन्ग रूट पे नहीं चल सकती हैं तो लोकल रूट पे तो चल ही सकती हैं। वहीं ग्रामवासी अमित पठानिया ने कहा कि करोड़ों रुपए की लागत से बसें खरीदी गई थी लेकिन आज तक इनका इस्तेमाल नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि जो कुल्लू हादसा हुआ है प्रशासन फिर भी इससे नहीं जागा है। अगर सरकार इन बसों को रूटों पर चलाती तो कुल्लू जैसे हादसे नहीं होते। कुल्लू बस हादसे के बाद भी प्रशासन अभी तक नहीं जगा है। उन्होंने कहा कि पठानकोट डिपो में लगभग 50 से ऊपर बसें चल रही हैं जिनमें कुछ की तो किलोमीटर के हिसाब से भी खत्म हो चुकी हैं और निर्देश भी दिए गए हैं कि ये रोड पर चलने के काबिल नहीं है, फिर भी ये बसें चलाई जा रही हैं। वहीं इस बारे में जब आरएम पठानकोट शकुल से फोन पर बात की गई तो उन्होंने बताया कि बसों की हालत ठीक है पर आरटीओ द्वारा रूट परमिट ना मिलने के कारण ये बसें खड़ी हुई हैं। मैं पूर्व में आरटीओ मेंबर भी रहा हूं। मैं बताना चाहूंगा कि देखिए कितनी बसें आपके सामने खड़ी हैं, नजर आ रही हैं। करोड़ों रुपए की लागत से ये बसें खरीदी गई थी पिछली हिमाचल सरकार ने और जो आज कुल्लू हादसा हुआ उसके बाद प्रशासन फिर भी नहीं जागा है। मेन कारण ये है कि आज प्राइवेटेशन जो बसें चल रही हैं उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं, उनके चलान काट रहे हैं। अगर प्राइवेटेशन जो बसेज हैं उनको अगर कंडीशन लगाई जाती कि 10 साल के 15 साल के बाद आपकी बसें जो हैं कंडीशन ठीक नहीं होगी, उनको रोड पे नहीं चलाना है, उनकी रोड पे अगर चलती हैं तो उनको चलान काटेंगे, क्या सरकार की क्या ये जिम्मेवारी नहीं बनती कि अपनी बसें अगर वो 10 साल के बाद ऊपर चलती हैं तो उनको रोका जाए। ये बसें अगर ये बसें जो हिमाचल सरकार ने रूटों पर चलाई थी है ना, तो अगर ये भी चलती तो मेरे ख्याल से इतना बड़ा कुल्लू जो हादसा हुआ है इतना बड़ा नहीं होता, क्योंकि ये बसें जो हैं ग्रामीण तक भी पहुंच सकती हैं और कहीं ना कहीं ये रूटों पे चलती हैं और कहीं ना कहीं सवारियां भी इनमें भरती हैं। तो मेरे सरकार से आग्रह ये है
कि जो हमारा आने वाले समय में जो ये सरकार की करोड़ों रुपए की लागत से, ये एक पठानकोट डिपो की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, ये पूरे हिमाचल प्रदेश के जितने भी डिपो हैं इसमें सब में करोड़ों रुपए की मशीनरी जो बेकार जा रही है उनका यूटिलाइज़ करो, उनको कहीं ना कहीं रोड पे लोकल रूट्स पे भेजो ताकि ये कुल्लू जैसे हादसे जो हैं ये रुक जाएँ। और मैं सरकार को ये भी चेताना चाहता हूँ कि ये जो बसेज हैं ये बसेज आम लोगों के परिवार आम लोगों को राहत पहुंचाने वाली चीज़ें थी, कहीं ना कहीं कम किराया था, लोगों को कंफर्टेबल थी, लोग जो लोकल रूट रहते हैं जैसे हमारे आपका भुनाड़ा है, आपकी नूरपुर में कई ऐसे इंटीरियर इलाके, पूरे कॉन्सेंसियम में ऐसे इंटीरियर इलाके हैं जहाँ पे ये बसें जाती थी। आज प्राइवेट की बसें वहाँ पे एक या दो का जाती हैं, फिर भी बेचारे वो जाती तो हैं पर उनके ऊपर 50-30 साली सवारियाँ उनके ऊपर ऑलरेडी अब बैठ जाती हैं, तो वो प्राइवेटेशन क्या करे बेचारी, या तो उनको रूट सेंक्शन किया जाए, या गवर्नमेंट अगर आप गोविंद जी की मैंने परसों स्टेटमेंट सुनी कि 200 रूट हम फ्रेश देंगे, भैया 200 रूट आप तभी दोगे पहले आप इन जो बसें के जो चल रही हैं जो बंद पड़ी हैं आपकी उनको तो चला लो, रूट तो नहीं आते रहेंगे आपके पास। दूसरी बात मैं आपको एक और चेताना चाहता हूँ सरकार को, हमारी मतलब जब से ये कुल्लू आप हादसा हुआ उसके बाद ये प्रशासन फिर भी नहीं जाग रहा है, एक आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के जैसे पठानकोट डिपो में 50 बसों से ऊपर आज रोड पे जो बसें चल रही हैं उनकी बैड लीजिंग उनकी किलोमीटर्स जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, वो मतलब एफिडेविट मिल चुका है कि ये बसें ऑन रोड पे चलाने के काबिल नहीं है, फिर भी जो है यहाँ पे जो 50 से ऊपर बसें पठानकोट डिपो में चल रही हैं और पूरे हिमाचल प्रदेश में जितने भी डिपो हैं हर बसें हर डिपो में 10-20-40 बसें हैं वो चल रही हैं। अगर कल को वो हादसे बस उनके ऊपर हादसा होता क्या सरकार अपने ऊपर जिम्मेवारी लेती कि हमने जो रूट बंद होते हैं उनको भी जो हमारी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन एज पर पॉलिसी अगर वो किलोमीटर पूरा करती हैं उसके बाद भी क्या वो बसें चल रही हैं और उस हादसा कल को होता वो कौन जिम्मेवार होगा, इसके ऊपर मैं सरकार का स्पष्टीकरण पूछना चाहता हूँ। और आज भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मतलब पूरे हिमाचल प्रदेश में कम से कम 100-150 बसें जो हैं वो अपनी किलोमीटर्स की किलोमीटर भी अपनी बैड लीजिंग सब कुछ कंप्लीट कर चुकी हैं, मतलब एफिडेविट सरकार की तरफ से और डिपार्टमेंट की तरफ से भी मिल चुका है कि भैया ये जो बसें हैं ये बसें रोड पर नहीं चल सकती हैं, फिर भी आज जो है हिमाचल प्रदेश सरकार जो परिवहन निगम है वो बसों को चला रहे हैं, वो ड्राइवर कंडक्टर उनकी हालत पूछो कि वो कैसे उनको लेकर जा रहे हैं, ये मतलब टेक्निकल डिपार्टमेंट ने भी इनको सर्टिफिकेट दे चुके हैं कि भैया ये बसें नहीं चलनी चाहिए, तो इसके ऊपर आप कहीं ना कहीं कार्रवाई करिए और जो जो बसें खड़ी हैं इन बसों को कहीं ना कहीं उन रास्तों पर सड़कों पर लाओ ताकि ये जो जाने जा रही है आए दिन वो जाने ना जाए, ये आपके सरकार की तरफ मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त चले छोटे से ब्रेक का ही होते हैं ब्रेक के बाद।